नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी सुने मिलेगी बड़ी सीख, और अपने बच्चों को भी अवश्य सुनाएं या दिखाएं। इस कहानी का शीर्षक है, आप जैसे भी हो अच्छे हो। तो बिना कोई टाइम लिए आपका मैं कहानी शुरू करता हूँ। तो मुझे यकीन है कि ये कहानी सुन के आपकी लाइफ बदल सकती है, और इतना ही नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि कहानी के खत्म होने तक आप अपने आप को बहुत खुश और अच्छा महसूस करेंगे, सुकून चैन और खुशी का एहसास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज की कहानी का शीर्षक है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप जैसे भी हो अच्छे हो। तो इस कहानी का शिक्षक जो बोलते हैं ना, कहानी का शिक्षक भी, कहानियों के फायदे भी बहुत होती है। कहानियां इसीलिए बनती है, हमने भी बहुत सुनी है हमारे पिताजी से, लेकिन दादाजी ने ज्यादा ज्यादा सुनाई है कहानियां पिताजी के मुकाबले में। तो इसका निचोड़ ये निकलता है कि बिना सोचे समझे हमें है ना किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। तो भी कहानी ऐसी है कि एक बार एक विद्वान योगी, सिद्ध योगी, ये महात्मा बुद्ध की तरह एक बैठे थे जंगल के अंदर, थके पेड़ के नीचे। तो छाया में आराम करने के लिए रुके, तो पेड़ के नीचे रुके तो ऊपर से है ना कोई एक पानी की बूंद कोई उनके ऊपर गिरी। तो उन्होंने देखा तो ऊपर कौवा रोता हुआ दिखाई दिया उनको। हाँ जी, तो उस सिद्ध योगी ने कौवे से पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। तो कौवे ने जवाब दिया कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, हद से ज्यादा परेशान हूँ। तो साधु को जवाब दिया कि ये भी कोई जिंदगी मेरी, मैं कितना काला हूँ, लोग मेरे को पसंद नहीं करते, मैं किसी के काम नहीं आ सकता, सिर्फ लोग मुझे साल भर में एक बार श्राद्ध पे याद करते हैं। तो योगी ने कहा, भाई मुझ में कुछ सिद्ध शक्तियां हैं, तो बोल तुझे क्या बनना है, मैं बना देता हूँ। लेकिन ये याद रखना है कि एक जीव को मैं सिर्फ एक बार ही अपनी सिद्धता को यूज कर सकता हूँ, और तेरा को जो चाहेगा तो मैं बना दूंगा, लेकिन तू जो चाहे कि मैं वापिस कौवा बन जाऊं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। तो कौवा बोला, कोई बात नहीं। अब तो कौवा उड़ा और गया हंस को ढूंढने, क्योंकि उसने साधु को ये बोला था कि मैं हंस जैसा बनता हूं। तो साधु ने बोला कि आप हंस से पूछ के आओ पहले कि उसका जीवन कैसे है। तो वो हंस मिल गया उसको, तो वो हंस को बोलने लगा, क्या नाम है इसका, कौवा, कि क्या तेरी लाइफ है भाई, आज तेरे पास में आया हूं, तू मेरे को बता दे क्या मजे में तू जीता है, तेरे पैर भी लोग देखते ही नहीं, कितना सुंदर लगता है पानी में तैरता हुआ। तो वो तो बोलने लगा कि जी सफेद कलर कोई कलर होता है क्या, जो विधवाएं होती जाती है वो पहनते हैं, मरने पे लोग पहनते हैं, कोई खुशी थोड़ी देता है, ठंडा हो जाता है आदमी ये जो भी कलर देखता है किसी इंसान को भी पहने में। तो मैं सफेद 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 ऑल द टाइम, सफेद यहाँ आप सफेद वहां सफेद, आगे पीछे पीछे सफेद, तो ये कोई जिंदगी नहीं है मेरी। तो वो भी चला के, चल साधु के पास, हम वापिस चलते हैं। तो दोनों जने वापिस उस साधु के पास में आ गए। तो वो उससे बोले गई, हंस ने अपनी व्यथा सुनाई। तो साधु बोलता है कि तू बोल दे भाई, तू क्या बनना चाहता है। तो वो हंस ने देर लगी ना फिर, और बोल दिया, फटाक से बोल दिया कि मैं तोता बनना चाहता हूँ। क्या ब्यूटीफुल होता है, क्या उसकी नाक सुंदर होती है, क्या उसका हरा कलर होता है, और क्या काजू वाजू चीजें उसको खाने को मिलती है, घर में जो लोग खाते हैं वही उसको देते हैं। तो फिर उसको ये भी राय दी कि भाई जा तू तोते से पूछ के आ, तोते से मिल के आ कि उसकी जिंदगी कैसी है। अगर तो तोता कोई कह देता तेरे को तो मैं राय तुम्हारी बन जाती है, तो मैं आपको मैं तोता बना देता हूँ। तो तोते के पास में गए तो तोता बोला कि ये कोई जिंदगी है क्या, हर टाइम हरा 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 हरा, पकड़ के पिंजरे में कैद करने थे, जो भी इंसान देखते हैं हमको उसकी ये कोशिश होती है कि पकड़ के इसको पिंजरे में बंद करो। अरे खाना क्या होता है, आजादी तो हमारी आई नहीं, खत्म हो गई। तो फिर तोते भी चला साधु के पास, तीनों जने चले। इतने अच्छे तोते का जिंदगी, लेकिन सुखी नहीं अपने आप को, इतना सुंदर ब्यूटीफुल। लेकिन वो फिर गए साधु के पास कि क्या बनना चाहते हो, तो उन्होंने बोला हम मोर बनना चाहते हैं। तो मोर से पूछा, मोर के पास में गए तो मोर से तो पूछो तेरी क्या जिंदगी है,
तो वो बोलते हैं कि क्या मेरी जिंदगी है, जिंदे जी मेरे को इतनी तकलीफ देते, मेरे पंख खींचते, मेरा शरीर इतना भारी है कि मैं तेज उड़ नहीं सकता, हर कोई पक्षी इतनी तेजी से उड़ जाता है, तो तू बोल तू क्या बनना चाहता है? तो मोर ने फटाक से बोल दिया कि मैं कौवा बनना चाहता हूं। तो कौवे की आंखें तो फटी की फटी रह गई कि ये तू क्या बोल रहा है कि मैं तो दुखी हूं अपनी इस लाइफ से और तू तू कौवा बनना चाहता है। कहता कौवा को नहीं मारते लोग, तूने कभी सुना है मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी सुनती है कभी, कौवा बिरयानी सुना है क्या? तो तू तो बचा हुआ, तेरी लाइफ तो सेफ है और हमको तो नोच नोच के खाते हैं। तो ये मतलब ही समझाने का ये निकला दोस्तों कि आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कहानी है ना का सबक ये है कि आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए अननेसेसरी। पर आपके जैसा इंसान में कोई दुनिया में है ही नहीं, पक्षी तो एक जैसे फिर भी हो सकते हैं, तो आप यूनिक है, आप जैसा कोई है ही नहीं। तो ये शिक्षा ये मिली भी कंपेयर नहीं करना, अगर आपको कंपेयर करना भी है ना तो अपने आप से करिए कि मैं 3-4 बरस पहले क्या था, क्या मैंने सीख लिया है, क्या मैंने प्रोग्रेस कर ली है, और अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप पे आगे बढ़ो। इसमें सुख नहीं है किसी और जैसे बनने में नहीं, अपने आप को पहचानो और वो बनो। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई आपको ये कहानी कैसे लगी, मैंने शुरुआत किया है सिस्टम आपको समझाने का, बच्चों को भी बताना, आगे भी मैं ऐसी अच्छी कहानियां लेके शिक्षा पर कहानियां लेके आता रहूंगा। और थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका इस कहानी को सुनने का, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आई ये चीज़ तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, मैं दोस्तों मित्रों सब्सक्राइब भी कर दो इस चैनल को अगर नहीं किया तो। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आऊँगा, मुझे वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, मेरे को लगता है आपको भी पसंद आई होगी ये कहानी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।